सर्दियों में और बरसात के मौसम में तला हुआ किसको नहीं अच्छा लगता। तो आज हम बना रहे हैं राम लड्डू, बहुत बढ़िया बनाएंगे। आप भी इस तरह से राम लड्डू बनाना चाहते हैं तो चलो चलते हैं किचन में। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं किचन में और बनाते हैं राम लड्डू। एकदम क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से एकदम सॉफ्ट, आप खुद ही देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो चलते हैं किचन में और बनाते हैं राम लड्डू। राम लड्डू के लिए मैंने एक कटोरी मूंग धुली दाल ली है और इसी के अंदर एक आधी कटोरी मैंने चने की दाल ली है और आधी कटोरी उड़द धुली डाल ली है और इसको 5 से 6 घंटे मैंने भिगो दिया था और ये काफ़ी सॉफ्ट हो गई है और अच्छी तरह धो चुका हूँ मैं इसे। अब इसे पीसना है हमें और मैंने ये 7-8 मिर्चें ली हैं और थोड़ी सी अदरक ली है, ये साथ इसको मैं पीसूँगा। तो पीस के मिलता हूँ मैं आपको। इसी कटोरी से मैंने नाप के सारी चीज़ें ली हैं तो मैं पीस लेता हूँ। जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डलेगा, ज़्यादा नहीं डालना, हमने पानी डालते हैं पीस लेते हैं। हमारी दाल अच्छी तरह से पीस गई है, इस तरह की होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं ज़्यादा पतली भी नहीं। बाकी इसको अब हमने फेटना है, कम से कम 10-15 मिनट तक फेटा जाएगा ये। आप चाहे हाथ से फेटो या व्हिपिंग मशीन है उसके दरवाजे में फेट सकते हो। और इसमें हींग वगैरह डलेगी, हींग जीरा, और जब इसको हम बनाएंगे तब इसमें थोड़ा मीठा सोडा भी डलेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ जैसे जैसे बनता है। इस तरह से इसको हमने फेंटना है, एक ही डायरेक्शन में फेंटना है, एकदम ये फ्लफी हो जाएगी, उठ जाएगी, इसमें एयर भर जाएगी। अगर हाथ से करोगे तो कम से कम आपको 10-15 मिनट तक चाहिए, ये 5 मिनट से पहले पहले आपको हो जाएगी। देखो कितनी जल्दी खुलनी शुरू हो गई है। ये 1/4 चम्मच मैं हींग डाल रहा हूँ उसके अंदर, 1/4 चम्मच ही मीठा सोडा है, 1/2 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच जीरा है और 1/2 चम्मच ही लाल मिर्च है। तो इसको डाल के और 1 चम्मच मैं स्वाद अनुसार वैसे नमक है आप अपने हिसाब से देख सकते हो, इसको फेंट लेता हूँ। सोडा डालने से भी ये अच्छे तरह से और फूलेगा थोड़ा। अब ये एक मैंने कटोरी में पानी लिया है, अगर आप देखना चाहते हो आपका बैटर फूला है कि नहीं फूला तो आप उस बैटर को पानी में डालेंगे, वो तैरेगा। अगर तैर रहा है तो आपका बैटर सही है, अगर डूब जाता है तो उसको और फेंटने की ज़रूरत है। तो मेरा सही है, एकदम तैर रहा ऊपर, तो मैं अब तलने की तैयारी करता हूँ। तलने के लिए हमने कढ़ाई रखी है और उसमें तेल डाल दिया है, रिफाइंड तेल लिया, आप चाहे सरसों का तेल भी ले सकते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ी हरा धनिया भी ऐड करा है, आप चाहो तो इसके अंदर मेथी पालक वगैरह भी ऐड कर सकते हो। मेरे पास मेथी पालक थी नहीं तो मैंने हरा धनिया ऐड करा है। राम लड्डू के अंदर लोग डालते नहीं हैं, हमारा हम तो डाल के खाते हैं, हमें अच्छा लगता है। आपके ऊपर आप मेथी डालो या पालक डालो, कुछ भी डालो, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और मौसम की सब्ज़ी वैसी हमें खानी चाहिए। तो चलो इसको फ्राई करते हैं। हम तेल हमारा गर्म हो गया तो हम डालते हैं इसके अंदर, देखो हल्के हैं तो कितनी ऊपर तैरना शुरू कर दिए इन्होंने। आप अपने हिसाब से लड्डू का साइज ले सकते हो, एक बार में जितने आपके कढ़ाई में आ जाए आप उसमें उसके हिसाब से डालते हैं। तो हमारे हो गए तो हम इसको निकाल लेते हैं और दूसरा लॉट की तैयारी करते हैं। दूसरे लॉट भी डाल देते हैं फटाफट। राम लड्डू हमारे सारे तैयार हो गए थे तो मैं इनको दोबारा फ्राई कर रहा हूँ, ये थोड़े और क्रिस्पी हो जाएंगे। ये मैंने हाफ ही पहले तले थे। मार्केट वाले भी ऐसे ही करते हैं, इससे ऊपर से और क्रिस्पी हो जाते हैं।
ये भी हमारे हो गए तो निकाल लेते हैं इनको। बाकी भी डाल देते हैं। ये भी हो गया तो निकाल लेते हैं इनको, सर्व करते हैं इसको। ऊपर से डालते हैं मूली, चाट मसाला थोड़ा, चटनी, थोड़ी सी सौंठ, ये ऑप्शनल आप डालना चाहो डाल सकते हो, पर इसमें बहुत बहुत अच्छा आता है। और आपको दिखाता हूँ तोड़ के कितने बढ़िया बने हैं। आई होप आपको मेरे बनाए हुए राम लड्डू की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।